राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाके में 4-5 साल पहले शुरू हुए आवास भी अब तक पूरे नहीं हुए हैं। 5 साल बीत जाने के बाद भी अब तक कोयलांचल धनबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में महज 3,112 आवास ही बन पाए हैं, जो कि काफ़ी धीमी गति से चल रही है। जिले के सभी प्रखंडों का यही हाल है। आज भी कई लोग टूटे आवास या फिर प्लास्टिक से बने आवास में रहने को मजबूर है, जिसका जीता जागता उदाहरण निरसा विधानसभा के ग्यारकुंड प्रखंड के सिवलीबाड़ी पूरा पंचायत की रहने वाली अनीता देवी का है, जो कि पिछले 4-5 वर्षों से प्रखंड से लेकर मुखिया के घर तक चक्कर लगाकर थक चुकी है। पर विडंबना यह है कि आज तक उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। अनीता देवी से आवास बनने के नाम पर कुछ दलाल पैसे भी ऐंठ चुके हैं, परंतु आज भी अनीता इसी टूटे घरों में रहने को मजबूर है। क्या हेमंत सरकार की राज में बिना चढ़ावा का कोई कार्य नहीं होगा, या फिर अनीता जैसी महिलाओं को यूं ही टूटे घरों में ही रहना पड़ेगा? देखिए, मेरा घर मतलब टूटा हुआ है और प्लास्टिक डाल के हम घर में रह रहे हैं। बरसात में पूरा पानी गिरता है, पूरा घर में पानी घुस जाता है। छोटा छोटा बच्चा लेकर रहते हैं, उसी में पढ़ना लिखना सब होता है। और अंदर से भी पूरा घर मेरा दीवार वार पूरा दरार हो गया, कोई मतलब देखने वाला नहीं है। मुखिया के पास भी जाते हैं तो वहाँ भी बोलता है क्या देखे क्या करें, बोलता हो जाएगा, अब हुआ नहीं अभी तक ले। तो कभी इसके लिए पहल किए थे, किसी के पास गए थे? हम गए हैं। किसके किस? हम गए हैं या मुखिया के पास गए हैं, बोले कागज भी दिए हैं, घर का सब कुछ कर लिया, बोला हो जाएगा आपका पास, और कुछ नहीं हुआ। जियो टैगिंग के नाम से कोई पैसा भी लिया था क्या? जी लिया है। कितना पैसा दिए थे? दिए थे 200 रुपया ला। अच्छा। बोला आपका कागज बनेगा, तो कागज ने भी नहीं बना, और बोला घर भी आपका घर यदि बन जाएगा तो उसमें मिनिमम 5,000 रुपया खाएंगे, घूस खाएंगे। हम इतना तक ले भी नहीं, कहे ठीक है मेरा घर यदि पास बन जाएगा तो हम देंगे का है ना, मगर मेरा घर तक ले अभी तक ले कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं यही कि मेरा घर बन जाए। अभी कैसे गुजर चल रहा है? अभी बहुत एकदम स्थिति खराब है, एकदम अब देख रहे हैं मेरा घर का हाल। कमाने वाला एक तो है और खाने वाला हम लोग 7 परिवार है ना, और उसी में पढ़ाई लिखाई भी है, इतना तकलीफ से हम लोग रह रहे हैं ना, क्या बताएं ना। और कब घर मेरा गिर जाएगा मतलब कोई गारंटी नहीं है। बरसात में आता है तो हम लोग के रात रात भर नींद नहीं आता है, जो बैठ जाते हैं पानी छूता है ना घर में, और सोचते हैं कि कैसे सुबह हो। इस तरह मेरा घर हो गया है। मतलब अभी तक आपका घर नहीं? कोई इच्छुक थी नहीं हुआ मेरा, अभी तक मेरा घर नहीं बना है।